Hey everyone, let's start with Compton, simply Compton effect. Compton effect क्या होता है? 1923 में A.H. Compton ने observe किया था कि जब हमारी beam of monochromatic light होती है, उसकी high frequency होती है, और जब वो किसी substance पे आती है तो क्या होता है, वो स्कैटर्ड हो जाती है बाय ए सब्सटेंस ऑफ लो एटॉमिक नंबर लाइक कार्बन, देन द स्कैटर्ड रेडिएशन हैज टू कंपोनेंट। तो हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, उस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट करती है, और जब वो स्कैटर्ड हो जाती है तो इसने बताया कॉम्पटन ने कि उसमें दो वो होते हैं, मतलब दो टाइप की कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो टाइप की रेडिएशन होती हैं। तो जो फर्स्ट होती है उसमें क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ, मतलब जितना उस पर इंसिडेंट करेगी सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ उतना ही स्कैटर्ड करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा पार्टिकल है और कोई भी फोटोन है इस पर इंसिडेंट करता है तो वो सेम फ्रीक्वेंसी से इस पर इंसिडेंट करेगा और सेम फ्रीक्वेंसी से वो स्कैटर्ड हो जाएगा। ओके और दूसरा है द अदर कंपोनेंट हैविंग लोअर फ्रीक्वेंसी और लॉन्गर वेवलेंथ। और ये क्या हो सकता है कि जो कंपोनेंट है उसकी तो लो फ्रीक्वेंसी होगी और जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्ग होगी, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसमें जो हम हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस लेते हैं स्कैटरिंग में, वो हम लेते हैं एक्स रेज और गामा रेज, क्योंकि जो रेज होती हैं वही सिर्फ उनमें ही, जो एक्स रेज और गामा रेज होती हैं उनकी रेडिएशंस हाई होती हैं। और ये प्रोसीजर कॉम्पटन इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए एक्स रेज और गामा रेज बहुत सही हैं। द स्कैटर्ड रेडिएशंस हैविंग लो फ्रिक्वेंसीज आर कॉल्ड मॉडिफाइड रेडिएशंस। जो स्कैटर्ड रेडिएशंस होती हैं, जैसे ये हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन है तो ये इंसिडेंट है तो ये हमारी स्कैटर्ड हो गई है, तो जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशंस होती है उनकी लो फ्रिक्वेंसी होती है, और जिन स्कैटर्ड रेडिएशंस की लो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिएशन। और दिस फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस इनटू मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड इज अकंपनीड विद सम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। और जो ये हमारा मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड सिस्टम है उसके साथ हमारे पास एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होता है, इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी फोटोन है और एक पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है, जब उस पर इंसिडेंट करता है तो एक तो स्कैटर्ड फोटोन होता है हमारे पास और एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। और कॉम्पटन इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट की पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन्स। सो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स क्या है, डेफिनेशन में क्या लिखना है, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक फोटोन इंसिडेंट करता है और इस फोटोन की जो रेडिएशन है वो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, इज स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज स्मॉलर देन, यानी कि जो ये वाला फोटोन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी और जो ये स्कैटर्ड है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और जो वेवलेंथ है इसकी वेवलेंथ तो कम होगी और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। बस आपको यही लिख देना है कॉम्पटन इफेक्ट में, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और इसकी वेवलेंथ कम होती है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। सो हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें ये हमारा इलेक्ट्रॉन है,
या हम इसको पार्टिकल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक फोटोन इंसिडेंट करता है, ये फोटोन इंसिडेंट करता है इस पे, देन वो स्कैटर्ड हो जाता है बाय सम एंगल फाई, और ये फिर इंसिडेंट फोटोन है। यहाँ पे एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होता है और वो किससे रिकॉइल होता है, बाय एंगल थीटा। तो इसकी एनर्जी होती है एम नॉट सी स्क्वायर, और फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, और इसका मोमेंटम होता है एच न्यू अपॉन सी, और जो स्कैटर्ड फोटोन है इसकी एनर्जी होती है एच न्यू डैश, और इसकी मोमेंटम होती है एच न्यू डैश अपॉन सी, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर, और इसका जो मोमेंटम होता है वो होता है एम वी, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे है। और अनदर थिंग ये है कि जो हमारा फोटोन है उस पर एक इंसिडेंट फोटोन अटैक करता है, देन उसकी एनर्जी एच न्यू है, मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी, और इसकी जो एनर्जी है वो है एम नॉट सी स्क्वेयर, और ये इसकी एनर्जी है एच न्यू डैश, और इसका मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी, और ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है, और जो ये हमारा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी है एम सी स्क्वेयर, और मोमेंटम है एम न्यू, और ये इंसिडेंट फोटोन है, ये स्कैटर्ड फोटोन है, और ये क्या है, हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्पटॉन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं हम इसको। और इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा डैश, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ कम थी और यहाँ पे वेवलेंथ हमारी इंक्रीज हो गई है, यहाँ थोड़ी सी है, यहाँ इंक्रीज हो चुकी है हमारी वेवलेंथ। आफ्टर स्कैटरिंग हमारी वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो इस पे हमें मेन फोकस किस पे करना है, फ्रीक्वेंसी इन केस कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे हमें फोकस करना है कि फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, सिमिलरली वेवलेंथ कब इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे वेवलेंथ कम है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपको पता ही चल गया है कि बिफोर इंसिडेंट हमारी एनर्जी मोमेंटम क्या है, आफ्टर इंसिडेंट हमारा एनर्जी मोमेंटम क्या है, और फोटोन के लिए क्या है और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, ये सब मैंने लिख रखा है। उसके बाद इसकी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम पढ़ेंगे अब। एक तरह से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, अगर आप चाहो तो एज इट इज़ इनको भी कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज बुक में तो होता ही है आपके पास। और इसमें क्या होता है, कुछ अजम्पशंस है कि जो हमारा एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फोटोन को कंसिस्ट करता है, उसकी एनर्जी एच न्यू होती है और मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या एज्यूम करते हैं, टू बी फ्री एंड स्टेशनरी। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, स्टेशनरी है, यानी कि वो रेस्ट पे है। और थर्ड अजम्पशन है कि जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, दिस इज़ अवर फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। सो तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। सो हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले बिफोर कोलिजन हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई करेंगे हम बिफोर कोलिजन एनर्जी ऑफ फोटोन। बिफोर कोलिजन एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले तो एनर्जी ये है फोटोन की एच न्यू प्लस फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, एम नॉट सी स्क्वेयर, तो एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की फ्री एनर्जी है। तो बिफोर
हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो हमारा फोटोन है और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, यानी फोटोन की एनर्जी कितनी है एच न्यू और इलेक्ट्रॉन की है एम नॉट सी स्क्वायर, तो इनको ऐड कर देंगे हम बिफोर कोलिजन। एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, आफ्टर कोलिजन एनर्जी कितनी है एच न्यू डैश, और इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, एम सी स्क्वायर। ये रहा एम सी स्क्वायर। तो आफ्टर कोलिजन एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। तो क्या होता है, ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम दोनों को इक्वल रख देंगे, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वेयर, दोनों को इक्वल कर दिया। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। इक्वल पुट करने के बाद हम यहाँ से एम सी स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे, एम सी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर माइनस एच न्यू डैश, तो एम सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ये हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, जो हमारा एनर्जी है उसको एक साथ कर लेंगे हम, प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर। अब यहाँ से एच हमारा कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वेयर सी की पावर 4, ठीक है। और इस पे हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, यहाँ पे हम पूरे का स्क्वेयर करेंगे, तो ये एम स्क्वेयर सी की पावर 4, ये हो जाएगा एच स्क्वेयर न्यू माइनस न्यू डैश, इसका भी होल स्क्वेयर होगा, प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी की पावर 4 प्लस 2H एम नॉट सी स्क्वेयर न्यू माइनस न्यू डैश, मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर इसको हम रीअरेंज करके लिख देंगे, एम स्क्वेयर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, जो न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वेयर है इसको भी हम खोल देंगे, न्यू स्क्वेयर प्लस न्यू डैश स्क्वेयर माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस ई, एज इट इज रहेगा हमारा एम नॉट स्क्वेयर सी की पावर 4 प्लस 2H एम नॉट सी स्क्वेयर न्यू माइनस न्यू डैश, दिस इज इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कब बनती है हमारी, जो हमारी इक्वेशन सेकेंड है उसका हमने दोनों तरफ स्केयरिंग कर दिया, स्केयरिंग करने के बाद हमारे पास ये, या इसको भी ओपन कर दिया, देन इक्वेशन थर्ड बनती है हमारी, ठीक है। सो जो हमारा इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जहाँ पे ये जो हमारा फोटोन है जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ इंसिडेंट करते हैं, ये दोनों आपस में टकराते हैं, तो मैंने बताया था कि जो कोलिजन होता है उनके बीच में वो इलास्टिक कोलिजन होता है। और इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जहाँ पे हमारी एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्वड हो, वो हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। तो अब तो हमने किसके लिए निकाला था, एनर्जी के लिए निकाला था बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, अब हम किसके लिए निकालेंगे, मोमेंटम के लिए निकालेंगे। और मोमेंटम के लिए निकालेंगे और फिर उन मोमेंटम के लिए बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन निकालेंगे, देन उनको फिर से हम इक्वल प्रूव कर देंगे। लेकिन जो हमारा मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं। कंजर्व का मतलब क्या होता है, जो हमारी एनर्जी और मोमेंटम होते हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम रहते हैं, ठीक है। कंजर्व्ड का मतलब होता है कि जो हमारे एनर्जी और मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम रहते हैं, और एनर्जी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली मोमेंटम हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, बट एनर्जी हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, उसको हमने ऐड करा यहाँ पे, सिंपली ऐड कर दिया हमने जस्ट, और देन इक्वल पुट कर दिया। बट जो हमारा मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड दिस इज़ द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन. तो जो ये हमारा मोमेंटम है स्कैटर्ड फोटोन का और इंसिडेंट फोटोन का, वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो उसको, इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डायरेक्शंस देखनी पड़ेंगी कि ये एक्स डायरेक्शन में है. एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा मोमेंटम एच न्यू डैस सी अपॉन सी कोस फाई, एंगल फाई है ना, तो कोस फाई. और इसके साथ क्या होगा, एम वी कोस थीटा. इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा एम वी कोस थीटा बिकॉज एंगल थीटा है. और यहाँ पे हमारा मोमेंटम कितना होगा, एच न्यू डैस अपॉन सी साइन फाई कोस, यहाँ पे फाई है और यहाँ पे एम वी साइन थीटा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, एंगल थीटा है कोस इसलिए. तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल पोजेस इन एक्स डायरेक्शन. तो एक्स डायरेक्शन में पोजेस करेगा, वाई डायरेक्शन में वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस. बिफोर कोलिजन एच न्यू अपॉन सी, बिफोर कोलिजन तो हमारा यही है एच न्यू, और ये तो मोमेंटम है और एनर्जी हमारी सो अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम है हमारा एच न्यू अपॉन सी बिफोर कोलिजन प्लस एनर्जी हमारी, ये तो फिर वाई एक्सिस के अलोंग होगी तो एनर्जी हमारी नहीं है, एनर्जी हमारी क्या होगी, ज़ीरो. एच न्यू अपॉन सी प्लस ज़ीरो अलोंग एक्स एक्सिस. फिर आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. तो आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, एच न्यू अपॉन सी एच न्यू डैस अपॉन सी कॉस फाइव, ये रहा एच न्यू डैस अपॉन सी कॉस फाइव प्लस एनर्जी है एम वी कॉस थीटा. तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. तो ये एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एच न्यू डैस अपॉन सी कॉस फाइव प्लस एम वी कॉस थीटा. अब यहाँ से जो एम वी कोस थीटा है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, वो आ जाएगी एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैस अपॉन सी कोस फाइव, इक्वेशन नंबर 4. अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई करेंगे. तो अलोंग वाई एक्सिस हम अप्लाई करेंगे क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन तो ज़ीरो है, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, एच न्यू डैस अपॉन सी साइन फाई और ये एम वी साइन थीटा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं. ये आफ्टर कोलिजन है ना लॉन्ग वाई एक्सिस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं. तो क्या होगा, तो इनको हम एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि जो एच न्यू डैस अपॉन सी साइन फाई है माइनस कर देंगे एम बी साइन थीटा, माइनस कर दिया. अब हम क्या करते हैं, जो अलोंग वाई एक्सिस है दोनों को, बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन, यानी कि ज़ीरो इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई माइनस एम बी साइन थीटा. तो यहाँ से फिर से हम, इज इक्वल टू ज़ीरो है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है, यानी कि एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू डैस अपॉन सी साइन फाइव, इक्वेशन नंबर 5. सिंप्लीफाई 4 एंड 5, फोर्थ इक्वेशन को और फिफ्थ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हम. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, जो हमारी ये फोर्थ इक्वेशन है इसको दोनों तरफ स्केयरिंग कर देंगे, और जो हमारी इक्वेशन नंबर, मतलब पहले इसका स्केयरिंग करेंगे हम, तो क्या होगा, एम स्केयर वी स्केयर कोस स्केयर थीटा, और यहाँ पे दोनों का होल स्केयर हो जाएगा. तो ये हो गया एम स्केयर वी स्केयर कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू एच स्केयर वी स्केयर अपॉन सी स्केयर प्लस
एच स्केयर न्यू डैश स्केयर सी स्केयर कोस स्केयर फाइव माइनस टू एच स्केयर न्यू न्यू डैश कोस फाइव अपॉन सी स्केयर। इसको हम इक्वेशन नंबर सिक्स बना देंगे। और जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन है इसका भी दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगी एम स्केयर वी स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू एच स्केयर न्यू स्केयर डैश अपॉन सी स्केयर साइन स्केयर फाइव। इक्वेशन नंबर फाइव है जो ये स्केयर करने के बाद ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेवन। जो फोर्थ इक्वेशन है जब उसका दोनों तरफ स्केयर किया तो वो इक्वेशन नंबर सिक्स होगी। और जो स्केयर फिफ्थ इक्वेशन है उसका दोनों तरफ स्केयर किया तो वो इक्वेशन सेवन होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन सिक्स और सेवन आई है दोनों को हम ऐड कर देंगे। दोनों को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एम स्केयर वी स्केयर कॉस स्केयर थीटा है और यहाँ पे इक्वेशन है एम स्केयर वी स्केयर साइन स्केयर थीटा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से एम स्केयर वी स्केयर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। एंड यू नो वेरी वेल एम स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू क्या होती है वन। तो सिक्स और सेवन को ऐड करा हमने एम स्केयर वी स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस एम स्केयर वी स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू एच स्केयर न्यू स्केयर बाई सी स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू डैश स्केयर बाई सी स्केयर साइन स्केयर फाइव प्लस कोस स्केयर फाइव माइनस टू एच स्केयर न्यू न्यू डैश कोस फाइव सी स्केयर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आया एम स्केयर वी स्केयर एच स्केयर न्यू स्केयर अपॉन सी स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू स्केयर बाई सी स्केयर माइनस टू एच स्केयर न्यू न्यू डैश कोस फाइव अपॉन सी स्केयर। अब सी स्केयर यहाँ भी है यहाँ भी यहाँ भी, तो हम एलसीएम लेके सी स्केयर हमारा उस साइड चला जाएगा। तो ये हो गया एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर और यहाँ पे बच गया एच स्केयर न्यू स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू डैश स्केयर माइनस टू एच न्यू न्यू डैश कोस फाइव। दिस इज इक्वेशन नंबर एट। सो एट्थ इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन एट्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। जो हमने इक्वेशन थर्ड निकाली थी ये रही हमारी इक्वेशन थर्ड, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम इक्वेशन एट्थ को। जब इसमें से एट्थ को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास होगा एम स्केयर सी की पावर फोर माइनस एम स्केयर न्यू वी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर न्यू स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू डैश स्केयर माइनस टू एच स्केयर न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट स्केयर सी की पावर फोर प्लस टू एच एम नॉट सी स्केयर न्यू माइनस टू एच एम नॉट सी स्केयर न्यू डैश माइनस एच स्केयर न्यू स्केयर माइनस एच स्केयर न्यू डैश स्केयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ हमारे पास ये वाले टर्म्स बच गए हैं एम स्केयर सी स्केयर। यहाँ से एम स्केयर सी स्केयर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा सी स्केयर माइनस न्यू वी स्केयर। तो इज इक्वल्स टू इसको सॉर्ट आउट करा माइनस टू एच न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्केयर एज इट इज़ बचा हुआ है, ये एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब हम यहाँ पे क्या यहाँ पे और इसमें से ये माइनस का ये प्लस का, लेकिन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है टू एच स्केयर न्यू न्यू डैश ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो अंदर क्या बच गया वन माइनस कॉस फाइव। हम एज इट इज़ माइनस वाली टर्म कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस वाली टर्म कॉमन लेंगे माइनस टू एच स्केयर न्यू न्यू डैश, तो अंदर हमारे पास अब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी नेगेटिव हो माइनस कॉस फाइव हो जाएगा ना, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा वन माइनस कॉस फाइव प्लस एम नॉट स्केयर सी की पावर फोर एज इट इज प्लस टू एच एम नॉट सी स्केयर न्यू माइनस न्यू डैश, ये वाली टर्म्स हमारे पास बच गया। फिर हमारे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो हमारा मास होता है वो किसके इक्वल होता है एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। तो यहाँ से एम स्केयर स्केयरिंग कर देंगे हम, एम स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी एम नॉट सी स्केयर माइनस वी स्केयर। अब यहाँ पे एम स्केयर की जगह पे ये रख देंगे इक्वेशन नंबर एट्थ के बाद इक्वेशन नंबर इसको हम नाइन भी मान सकते हैं, नाइन्थ भी मान सकते हैं अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये वैल्यू आई है एम नॉट सी स्केयर माइनस वी स्केयर इसको हम यहाँ पुट करेंगे
तो यहाँ सी स्केयर है, यहाँ भी सी स्केयर, यहाँ सी की पावर 4 हो जाएगा, एम नॉट स्केयर एज इट इज़ अपॉन में सी स्केयर माइनस वी स्केयर, और ये यहाँ दे रहा है, ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, और इस साइड से क्या होगा, एम नॉट स्केयर सी की पावर 4, ये चीज़ मतलब ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के साथ पूरा कट आउट हो चुका है, यानी यहाँ हमारा ज़ीरो बचेगा, और यहाँ इज इक्वल्स टू में क्या होगा, माइनस टू एच स्केयर न्यू न्यू डैश इन टू में 1 माइनस कॉस 5 प्लस 2 एच एम नॉट सी स्केयर न्यू माइनस न्यू डैश। अब ये जो नेगेटिव है इसको हम इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले आए तो यहाँ से टू कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक एच बच गया, एच न्यू न्यू डैश इन टू में 1 माइनस कॉस 5, इधर बच गया एम नॉट सी स्केयर न्यू माइनस न्यू डैश, ये चीज़ बच गई हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेम टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आएंगे, जैसे ये न्यू न्यू डैश है इसको इसके नीचे ले आएंगे, न्यू माइनस न्यू डैश के नीचे। अब न्यू न्यू मैंने बोला था कि जो सेम लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आएंगे, न्यू माइनस न्यू डैश, वो जो हमारा न्यू न्यू डैश है ये यहाँ पे आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉडिफाई करके, 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा, और न्यू डैश क्या होगी, सी अपॉन लैम्डा डैश, तो हम यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, सी अपॉन लैम्डा और सी अपॉन लैम्डा डैश, तो एच अपॉन एम नॉट सी स्केयर इन टू में 1 माइनस cos 5 इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन सी माइनस लैम्डा अपॉन सी। तो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यानी एच अपॉन एम नॉट सी इन टू में 1 माइनस cos 5 इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। सी हमारा यहाँ भी सी स्केयर था, यहाँ सी था तो एक सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया एच अपॉन एम नॉट सी इन टू में 1 माइनस cos 5 इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और फिर यहाँ पे हमारा है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos 5। अब जो हमारा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल लैम्डा, डेल लैम्डा इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज ये क्या हो गया, चेंज इन वेवलेंथ। तो जो ये हमारी लैम्डा डेल लैम्डा इज इक्वल टू है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos 5। अगर हमें एंगल पता है, सी हमें पता है क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, एम नॉट पता है, एच एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है तो हम वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारी होती है चेंज इन वेवलेंथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्टन शिफ्ट, और इसी एक इसी क्वेश्चन को हम बोलते हैं कॉम्प्टन इफेक्ट। तो जो हमारी वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे, यानी कि फाई पे डिपेंड करती है। अब एच का हमें पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, और मास एम नोट की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, 9.1 × 10⁻³⁶ kg, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10³ मीटर पर सेकंड। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.242 एंगस्ट्रॉम, 0.24 × 10⁻¹⁰ मीटर आया है, तो इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 0.242 एंगस्ट्रॉम। सो जो हमारा कॉम्प्टन शिफ्ट है यानी जो कॉम्प्टन इफेक्ट है उसकी वैल्यू आ सकती है हमारी 0.242 × 1 − cos 5 एंगस्ट्रॉम। और अगर हमें वैल्यू निकालनी हो लैम्डा डैश की, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ निकालनी हो, तो वो क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 0.242 × 1 − cos 5 एंगस्ट्रॉम। अगर हम फाई 0 लेते हैं तो कॉस 0 1 होता है, यानी और 1 होगा तो 1 माइनस 1
जीरो हो जाएगा, यानी लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि जो हमारा इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है और जो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हम फाई को 180 भी ले सकते हैं, तो वहाँ से हमारा कुछ अलग अलग वैल्यूज़ निकल के आएंगी। सो कॉम्प्टन इफेक्ट तो हमारा सिर्फ यहीं तक है, ये हमारा होता है कॉम्प्टन इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक एंड शेयर। एंड आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड वॉन्ट टू से वन थिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पॉजिटिव कमेंट्स एंड थैंक यू उन लोगों के लिए भी थैंक यू जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। सो थैंक्स टू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट एंड फॉर योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज कमेंट में इतनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं। सो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड यू कैन मैसेज मी देयर विद योर प्रॉब्लम्स, सो आई विल प्रोबेबली रिप्लाई यू। So thank you so much for being a part of my real education. Thanks. And one more thing, don't forget to check the description box of every single video, because in description box related जो हमारी videos होती हैं, जो रिलेटेड वीडियोस के लिंक होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।